हिमाचल में गवर्नर वर्सेस मुख्यमंत्री की जंग शुरू हो गई है। जी हां, हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने पहले बजट सत्र में दो विधेयक पारित कर राज्यपाल की मंजूरी को भेजे थे, मगर इन्हें राज्यपाल ने रोक दिया है। इससे दोनों विधेयक कानून नहीं बन पाए। बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखाश्रय विधेयक 2023 और लोकतंत्र प्रहारी सम्मान विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया था। इसके बाद इन्हें ही राज्यपाल को भेजा गया। आपको बता दें, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से जुड़े विधेयक को परीक्षण के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा है। दो रोज पहले ही सचिवालय में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट अधिकारियों ने राज्यपाल की आपत्ति पर चर्चा की है। अब इसे लॉ डिपार्टमेंट की राय को भेजा गया है। वही विधि विभाग की राय के बाद मुख्यमंत्री से भी इस पर चर्चा कर दोबारा राज्यपाल को भेजा जाएगा, ताकि बेसहारा व जरूरतमंद बच्चों की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को कानूनी रूप दिया जा सके। इस विधेयक के कानून बनते ही अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा मिल जाएगा और इनकी पढ़ाई लिखाई व पालन पोषण का खर्च सरकार उठाएगी। विधानसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में वॉकआउट किया था। आपको बता दें, इसी तरह लोकतंत्र प्रहारी योजना बंद करने से जुड़े विधेयक पर चर्चा के बाद भी भाजपा ने सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर चली गई थी और सुक्खू सरकार पर इमरजेंसी के दौरान जेलों में बंद लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया था। तब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी को लोकतंत्र प्रहरी याद क्यों नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।